तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में। तो यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने ली है वर्ल्डपीडिया से। तो यार आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे वर्ल्ड से जहाँ का टाइम और स्पेस दोनों ही अनस्टेबल था। दोस्तों वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक पोकेमॉन का एग आ जाता है जिसमें से निकलता है अर्सियस, जिसके पास की अल्टीमेट पावर्स। एक दिन अर्सियस सोचता है कि क्यों ना एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट किया जाए जहाँ पे पोकेमॉन और इंसान एक साथ रह सकें। तो दोस्तों वो इस काम के लिए तीन पोकेमॉन्स को बनाता है और ये तीन पोकेमॉन्स होते हैं पालकिया, डियाल्गा और ग्रेटिना। दोस्तों वो इन तीनों को अलग अलग पावर्स देता है। दोस्तों डियाल्गा के पास होती है टाइम की पावर, पालकिया के पास स्पेस की और ग्रेटिना के पास एंटी मेटल की पावर। दोस्तों फिर ये तीनों लग जाते हैं यूनिवर्स को क्रिएट करने में। तो जब यूनिवर्स क्रिएट हो रहा होता है डियाल्गा क्रिएट करता है एक पोकेमोन को जिसका नाम रहता है हुपा। दोस्तों हुपा को डियाल्गा बनाता है बनाया होता है तो इसलिए वो परफेक्ट नहीं होता है और ग्रेटिना उसे अपने पास रख लेता है। दोस्तों ग्रेटिना हुपा को एक नया और पावरफुल फॉर्म देता है जिसका नाम रहता है हुपा अनबॉन्ड। दोस्तों हुपा अनबॉन्ड और ग्रेटिना मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि वो अर्सियस को हरा के उसकी जगह ले सकें। दोस्तों अर्सियस को इस बात का पता चल जाता है और वो डियाल्गा को डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज देता है और हुपा को एक बॉटल के अंदर बंद कर देता है। दोस्तों इसका वो डियाल्गा और पालकिया दोनों मिलकर यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं और अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। दोस्तों अब यूनिवर्स तो क्रिएट हो गया था, अब बारी आई थी यूनिवर्स को फिलअप करने की। तो इसके लिए अर्सियस क्रिएट करता है कॉस्मिक आर्किटेक्ट को। दोस्तों कॉस्मिक आर्किटेक्ट सोलर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बनाते हैं तीन पोकेमॉन को। दोस्तों ये तीन पोकेमॉन रहते हैं टेल्ट्रस, सेलूना और हीरोसोर। दोस्तों सेलूना का काम था मून को बनाना, हीरोसोर का काम था सन को बनाना और टेल्ट्रस का काम था प्लैनेट्स को क्रिएट करना। दोस्तों इसके बाद आर्सियस ह्यूमंस और पोकेमॉन को क्रिएट करने के लिए बनाता है तीन पोकेमॉन्स को। दोस्तों ये तीन पोकेमॉन होते हैं यूक्सिया, एजेल्फ और मेस्प्लेंट। दोस्तों इन तीनों के पास भी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। दोस्तों यूक्सिया के पास होती है नॉलेज की पावर, एजेल्फ के पास होती है विल पावर, मेस्प्लेंट के पास होते हैं इमोशन। दोस्तों ये तीनों मिलकर बनाते हैं म्यूको। टेटलस ने पृथ्वी को बनाने के लिए मदद ली तीन पोकेमॉन की और ये तीन पोकेमॉन थे कायोगर, ग्रोडोन और लिक्वाजा। कायोगर ने बनाया समुद्र को, ग्रोडोन ने जमीन को समुद्र से ऊपर उठाया और लिक्वाजा ने बनाया आसमान को। दोस्तों इसके बाद कायोगर फैला रहा था समुद्र को और ग्रोडोन बढ़ा रहा था जमीन को, इसकी वजह से कायोगर और ग्रोडोन के बीच हो जाती है जंग और ये जंग पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंग थी और पहली भी। दोस्तों इस जंग को रोकने के लिए सामने आता है लिक्वाजा और वो इन दोनों को अलग करता है और कायोगर और ग्रोडोन दोनों ही कई सालों के लिए शांत हो जाते हैं। तो इसके बाद क्रिएशन होता है एक नए पोकेमॉन का जिसका नाम था रेजिगीगस। दोस्तों रेजिगीगस का काम रहता है कि ग्रोडोन की बनाई हुई ज़मीन को अलग करना और सभी रीजन को फॉर्म में लाने का। दोस्तों जब रेजिगीगस रीजन्स को फॉर्म में ला रहा था तो एक नए पोकेमॉन का क्रिएशन होता है। दोस्तों इस पोकेमॉन का नाम रहता है हीटलेन। दोस्तों जब रेजिगीगस सभी रीजन्स को फॉर्म में ले आता है तो क्रिएट करता है तीन पोकेमॉन को। दोस्तों ये पोकेमॉन होते हैं रेजीरॉक जिसे बनाया होता है रॉक से, रेजीआई जिसे बनाया होता है आइस से और रेजिस्टील जिसे बनाया होता है मैग्मा से। इन तीनों पोकेमॉन्स को क्रिएट करता है रेजिगीगस। दोस्तों इसके बाद वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है, बन चुकी होती है और अब वाली आती है वर्ल्ड को बैलेंस करने की। दोस्तों वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए अर्सियस क्रिएट करता है तीन पोकेमॉन्स को जिन जो होते हैं जेलनेस, एक्लॉड और जायगार्ड। दोस्तों इसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था, अब पृथ्वी पे धीरे धीरे करके म्यू की तादाद बढ़ती जा रही थी और भी नए नए पोकेमॉन सामने आते जा रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों समय के साथ म्यू जहाँ जहाँ जा रहा था वो उस जगह के माहौल के हिसाब से विकसित हो रहा था, इस वजह से म्यू की तादाद धीरे धीरे घटने लगी और काफ़ी कम बची। तो दोस्तों ये थी पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री। तो यार उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।